हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए फिर से एक हिडन स्टॉक लेकर आया हूँ जिसमें कि पोटेंशियल है कि आपके पैसे को लॉन्ग रन में 10-20 गुना आराम से कर सकता है। अगर इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो ये देख सकते हैं मात्र 1308% यानी कि 1300% का रिटर्न अभी तक दे पाया है। बट इसमें 13,000 नहीं बल्कि 1,00,000% तक के रिटर्न देने की पोटेंशियल है। तो समझ सकते हैं कि इसके जो स्टॉक प्राइसेज है फ्यूचर में कितना ऊंचाई छू सकता है। देखिए एक्चुअली ये जो स्टॉक है ये स्टॉक हिडन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मैं इसे 2022 में लगभग 130 के आसपास में हमने डिस्कस करा था, उसके बाद भी 200 के ऊपर डिस्कस करा। फिर से इसके बाद देखा जाए हाइक होने के बाद जो है यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है काफ़ी ऊपर आने के बाद लगभग 5 साल का रिटर्न देखेगा तो 400-500% का रिटर्न दे रखा है। मतलब कि हम जहाँ से डिस्कस किए हैं वहाँ से देखा जाए तो ये जो स्टॉक है कितना परसेंट का मैक्सिमम 300-350 का दिया और उसके बाद अभी करेक्ट होने के बाद देखा जाए तो ये जो स्टॉक है कितना मैक्सिमम 200 नहीं बल्कि 300% के रिटर्न अभी मान सकते हैं। अब देखिए ये स्टॉक डिस्कस करने के पीछे का कारण ये है कि इसका देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अभी मात्र 1800 करोड़ का है। 18000 करोड़ नहीं बल्कि 1,00,000 करोड़ तक का भी पोटेंशियल रखता है। बट 18000 करोड़ का भी अगर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है तो ये स्टॉक का जो वैल्यू होगा जो रिटर्न होगा वो 10 टाइम्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर पी रेशियो देखेगा तो ये भी 19-20 के आसपास है जो कि इंडस्ट्री से काफ़ी नीचे है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्टॉक डिविडेंड भी दे रही है, मतलब आपको कुछ कुछ अमाउंट जो है आपको एज ए इंटरेस्ट एज ए डिविडेंड के रूप में समझ लीजिए कि इंटरेस्ट आपको दे रही है पैसे का इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे, तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन बात हो जाता है यहाँ पर। तो मुझे लगता है ये जो स्टॉक है अगर लॉन्गर रन में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्यों? क्यों? क्योंकि इसके जो और भी चीज़ें देखिएगा तो आप समझ में आएगा, इसके बिजनेस देखिएगा तो समझ जाएगा। यहाँ पर कंपनी का जो डेट है वो रिड्यूस किया गया और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी यहाँ पर देख पाएंगे। नीचे चल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, सेल्स देख लीजिए 150 करोड़ से अभी 300 करोड़ पे पहुंचा है, 350 करोड़ पे। और वहीं पर अगर इसके नेट रिटर्न नेट प्रॉफिट देखेगा तो 8 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पर 23 करोड़ पे पहुँच चुका है। ये क्वार्टरली रिटर्न की बात कर रहा था, ईयरली यहाँ पर देखेगा तो ये 350 से अभी 1200-1300 करोड़ पे पहुँचा है। और नीचे चल करके रिटर्न देखेगा तो 18-20 करोड़ से ये बढ़ करके 125 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड यहाँ पर देखिएगा नेट प्रॉफिट तो लगभग 100 करोड़ पर पहुँच चुका है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देखिए सेल्स ग्रोथ देखिए या प्रॉफिट ग्रोथ देखिए या फिर CAGR देखिए या इक्विटी देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी सारे के सारे काफ़ी अच्छे हैं, पॉजिटिव है। यहाँ पर देख लीजिए रिजर्व 82 करोड़ का था जो कि अभी बढ़कर के 400 करोड़ पे आ चुका है। डेट देख लीजिए लगभग 0 के बराबर है, 7 करोड़ कहाँ 408 करोड़ का है रिजर्व और बोरिंग जो है 7 करोड़, तो इसे आप 0 डेट मान सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा नीचे चल करके तो प्रमोटर होल्डिंग 51% का अभी कांस्टेंट है, ये बढ़ नहीं रहा ना घट रहा है। वहीं पर FIIs का देखिएगा तो बढ़ करके 1% से ऊपर का हो चुका है। DIIs ने भी थोड़े से अपने इंटरेस्ट जगाए हैं और बाकी जो है प्रमोटर नहीं बल्कि पब्लिक के पास है, प्रमोटर के पास तो है ही 51%। तो ये स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक दिखाया हूँ, इसके बाद नाम मैं दिखाऊंगा। तो नाम देख करके सिर्फ डिसीजन लेना मुझे लगता है सही नहीं है, तो और भी चीज़ें अभी हम इस पर जानने वाले हैं। तो देखिए इससे पहले कि आप कुछ वीडियो को मूव करें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनी एंटिटी, किसी भी तरह का ना फाइनेंशियल एडवाइजर ना टेक्निकल एनालिस्ट किसी भी तरह का सेबी रजिस्टर्ड नहीं एंटिटी नहीं हूँ। यहाँ पर बोल देखा जाए तो मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जरूर हूँ जो कि रजिस्टर्ड हूँ, और इसलिए मैं बोलूँगा कि किसी भी तरह का एक्शन या डिसीजन लेने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात है कि किसी भी तरह का निवेश किसी के वीडियो देख करके नहीं करना चाहिए आपको, आपको रिसर्च करना ही चाहिए। किसी भी वीडियो का इस्तेमाल आप डिसीजन लेने के लिए नहीं कीजिएगा, आप अपने रिसर्च को आसान करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर डी लिंक इंडिया इसका नाम है और यहाँ पर देखिएगा बिजनेस तो यहाँ पर चल करके आप देखिएगा इसके पोर्टफोलियो देख लीजिए यहाँ पर ऊपर दिखा देता हूँ, सब कुछ आपको अच्छे से दिखा लिखा हुआ है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लीजिए डिफरेंट काइंड ऑफ राउटर्स स्विचेस वायरलेस डिवाइसेस सर्विलियंस नेटवर्क सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्ड कैबलिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोडक्ट। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, अभी अगले 10-12 साल मुझे नहीं लगता कि इन सभी का बिजनेस खत्म होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा तो मार्केट शेयर देख लीजिए 30% और 40% जो है ये हर प्रोडक्ट में
क्या है, ये सारे प्रोडक्ट में अपना मार्केट शेयर रखता है। और न्यू प्रोडक्ट जो है देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कंपनी लॉन्च किया था जो कि यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद नेचर वाइज देखेगा तो नेटवर्किंग प्रोडक्ट 99% है, उसके बाद सर्विस प्रोडक्ट 1% है। यहाँ पर देखिएगा रेवेन्यू जो है अकाउंट फॉर 34% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम टू सिग्निफिकेंट कस्टमर, दो से मतलब इसके दो इम्पॉर्टेंट कस्टमर हैं। डोमेस्टिक से 95% जनरेट करती है, वहीं पर एक्सपोर्ट 5% का कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर एंड ओवर 15,000 रीसेलर इसके पास हैं। सपोर्ट सेंटर इसके देख लीजिए, सब कुछ काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर दे रखा है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।